नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे YouTube चैनल का नाम एग्जाम मंच। जैसा कि मेरा दूसरा वीडियो है SSC CGL और प्लस UPSI की कंबाइंड बैच मैथमेटिक्स चल रही है, उसी को मैं पढ़ा रहा हूँ। आज ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने सारे फार्मूले और सिर्फ 2 प्रश्न बताया था, और आज हम 3 प्रश्न और लिखे हैं। इसके बाद आने वाले प्रश्न आप देखिएगा, बहुत बड़े प्रश्न होंगे। बस थोड़ा पेशेंस रख के देखिएगा, इतने बड़े बड़े प्रश्न को कैसे आप यूं ही मतलब सेकंडों में सॉल्व कर देंगे। आप थोड़ा सा सिर्फ पेशेंस रख करके, थोड़ा धैर्य रख करके वीडियो को देखिएगा, अपने आप आपको समझ में आएगा, आपको बहुत मजा आएगा और आप बहुत कुछ सीखेंगे यहाँ से। तो आइए चलिए हम बिना देर के इसकी शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला सवाल है वो है क्या, देखिएगा। पहला सवाल हमारा कितना दिया हुआ है, कह रहा है कि 64 का पावर -2/3 और -1/4 का पावर क्या -2, ये सवाल दिया हुआ है और कह रहा है इसका मान बताइए। इन सारे सवाल में बोलेगा कि का मान बताइए, का मान बताइए, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान क्या होगा। तो आप समझिएगा, यहां 4 है, यहां 64 है, 64 को कुछ इस तरीके से लिख दीजिए जो 4 के फॉर्म में आ जाए। तो आपको मालूम है 4 का घात अगर 3 है, 4 का पावर 3 है, जिसे 4 × 4 × 4 = 16 × 64 लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो 64 है उसको हम ऐसे लिख देते हैं। देखिए 4 का पावर क्या 3 और पूरे का पावर क्या -2/3, 1/4 रहने दीजिए -2। आप समझिएगा, इस पावर का इस पूरे पावर में गुणा हो जाएगा, 3 3 को कैंसिल कर देगा, कट कर देगा, तो बचेगा 4 का पावर -2 गुणा। आप देख रहे हैं ये माइनस में है, ये माइनस में है और 1/4 है, यहां सिर्फ 4 है, लेकिन हमको 4 लाना है तो 4 को ऊपर ले जाइए, तो जो ये आपका पावर माइनस में है ना वो प्लस में हो जाएगा। आप देख रहे हैं बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगे, तो -2 और +2 मतलब 4 का पावर 0, क्योंकि -2 + 2 0 बना देगा। आंसर कितना आ गया, 1। इसमें हमने लगाया है a^m × a^n, क्योंकि आधार सेम होता है, बेस सेम होता है, तो पावर जुड़ जाते हैं, मतलब a^m + n। हमारे कहने का मतलब ये है, इफ द बेस ऑफ द गिवन एक्सपोनेंट्स आर इक्वल देन पावर विल बी ऐड, पावर दोनों जुड़ जाएगा। मैंने उसी को जोड़ दिया है, वही हम यहाँ पे अप्लाई किए। देख रहे हैं पहले सवाल का आंसर आपको मिल गया कितना, 1। इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। आइए दूसरा सवाल देखते हैं, तो मेरी बात को आप समझ गए होंगे शायद। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या हमारा। अगला सवाल हमारा जो दिया हुआ है वो हमारा सेकंड सवाल कह रहा है कि 8/125 का पावर लगा दिया -4/3। सबसे पहली बात, यहां पावर माइनस में, इसको प्लस करो, और प्लस करने के लिए हमने आपको बताया एक चीज, क्या चीज, हर को अंश, अंश को हर कर दो। आइए 125 ऊपर 8 नीचे, पावर हो गया प्लस में। अब आप बाबू हमको एक बात बताइए कि जो 125 है क्या इसको 5 का पावर 3 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 5 × 5 × 5 125 ही तो होगा भाई। 5 का पावर 3 का मतलब आप समझ रहे हैं, इसको लिख दे रहे हैं 2 का पावर 3 और पूरे का पावर क्या लगा दे रहे हैं 4/3। क्या अगर हम 5/2 का पावर यहां 3 करके और पूरे का पावर 4/3 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम बताएं अगर a^m हो a^n हो या b^, यहां कर दीजिए b^m हो, तो a/b क्या हो जाता है, m हो जाता। अगर सेम पावर है दोनों नंबर में तो ब्रैकेट लगा के लगा दिया पूरा पावर, मतलब 3 का पावर 5 पर भी है, 3 का पावर 2 पर भी है। अब हम आ जाते हैं किस पे, इस पावर का इस पूरे पावर में गुणा हो जाएगा, तो 5/2 यहां 3 × 4/3, ये 3 3 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 5/2 और पावर क्या बच गया 4। इस बात को समझ लेंगे। अब 5 का 4 बार गुणा, 5 × 5 × 5 × 5, उसी तरीके से 2 का 4 बार गुणा, 2 × 2 × 2 × 2। जो लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं वो पहला वीडियो जरूर देखेंगे, तभी ये समझ में आएगा। 5 × 25 = 125 × 625 = 625 आपका ये हो गया, और 2 × 4 × 8 × 16 = 16, मतलब 625/16 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ये हुआ। आइए अगला, मैंने कहा ना जैसे जैसे अभी आप बढ़ेंगे आपको बहुत मजा आएगा। देखिएगा
कैसे बड़े बड़े सवाल लेते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ, इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगा, क्योंकि सब सवाल में शॉर्ट ट्रिक नहीं लगता, जहां शॉर्ट ट्रिक लगने वाला रहेगा वो बताया जाएगा। अब आप समझिएगा, ये मिरर का सवाल है। किसका सवाल है? ये मिरर का। देखिए, मिरर के सवाल में हम करना क्या है, हमको बहुत ध्यान से आप समझिएगा। आप रीजनिंग पढ़ते हैं, रीजनिंग थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप समझते होंगे। 26 का स्क्वायर दिया है और 97 का यहाँ स्क्वायर दिया है, सामने एक ऐसे मिरर लगा दिया और पूछा कि इसका मान बताइए, का मान बताइए, इसका मान क्या होगा। ये तो मिरर यहां दे दिया और इसका मान पूछ रहा है, कुछ करना नहीं है भैया। जो मिरर के पास है ना वो दूर, और जो दूर है वो पास। इसमें क्या करना है, जो पास वो दूर और जो दूर वो क्या, वो पास। तो ये पास है तो इसको दूर कर दो, लेकिन 7 और 9 में भी देखोगे तो 7 इसके पास 9 दूर, इसका मतलब 7 दूर हो जाएगा और 9 पास हो जाएगा। कहने का मतलब 79, 97 है तो 79 स्क्वायर प्लस को ऐसे रहने दो। फिर देखो ये पास गया था, लेकिन इसमें भी चेंज हो जाएगा, 26 है तो 62 का स्क्वायर, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बात हमारी समझ आएगी। मिरर का सवाल अगर ऐसा आता है तुरंत देखते ही फटाका आप आंसर मार देंगे। अब अगला सवाल देखिएगा, जो अगला सवाल लेने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा फेमस सवाल है, ये बहुत आता है। जो नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं उसको देखिएगा, वो क्या है आपका। अगला जो सवाल हमारा है वो आपको देखेंगे लगभग सारी बुक में मिल जाता है, सारे जो अनसॉल्व्ड पेपर लेते हैं उसमें भी मिल जाता है। वो है क्या हमारा, देखिएगा, कह रहा है कि 2 पावर x बराबर 3 पावर y बराबर 6 पावर -z, ये दिया है, ऐसा कह रहा है, दिया है। तो कह रहा है कि 1 upon x + 1 upon y + 1 upon z का मान बताइए, इसका मान पूछ रहा है। आप समझिएगा, इसका क्या पूछ रहा है, मान पूछ रहा है, कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं आप वो समझिए। इसमें करना क्या है, पहले इसको हम बताएं, उससे पहले हम आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं। जैसे देखिए, कहीं अगर लिखा हो क्या कि एक्स का स्क्वायर बराबर ए, हम पूछे एक्स का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे अंडर रूट ए, मतलब करड़ी में ए, या ए का पावर 1/2। अगर हम कहें एक्स का पावर 3 बराबर b है तो एक्स बराबर बी का पावर 1/3। अगर यही पावर 4 होता तो यहाँ पे 1/4 हो जाता। यही पावर अगर 5 है तो 1/5 हो जाएगा। बात आप हमारी समझ गए होंगे। अब ये बात समझ गए हैं तो आगे समझिए जो सवाल है। देखिए वो सवाल हमारा क्या है, इसमें जो दिया है 2 पावर x बराबर 3 पावर y बराबर 6 पावर -z, इसको बराबर k मान लीजिए, इसको हमने मान लिया, लेट कर लिया, ऐसा है। तो अगर आप इसको इतना बराबर मान लिए हैं तो देखिए, ये भी इसके बराबर, k के बराबर, ये भी k के बराबर, ये भी k के बराबर। तो अगर सबसे पहले 2 का पावर x बराबर k करते हैं तो 2 बराबर k का पावर क्या हो जाएगा, 1/x, अभी जो हमने बताया था। उसी तरीके से अगर 3 पूछे तब तो k का पावर 1/3 y दिया है, y हो गया। और अगर यहां से पूछे 6 क्या होगा, तो आप कहेंगे k का पावर -1/z, मतलब 2 का 3 का और 6 का वैल्यू। पहले 2 का पावर x k के बराबर किया, ये आ गया, 3 का पावर y k के बराबर किया, ये आ गया। तो तीनों वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया, ये माइनस नहीं है, आप माइनस समझ बैठेंगे, आप समझिएगा ये है। अब समझिएगा, क्या हम 2 × 3 = 6 ही होता है, बिल्कुल होता है। अब आप कहेंगे 2, 3 और 6 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ 2, 3, 6 की बात हो रही है, उसी को हमने लिया है। तो अब आप सीधे वैल्यू अगर यहां रखते हैं, 2 का वैल्यू क्या है, 2 की वैल्यू है k का पावर 1/x × 3 की वैल्यू क्या है k का पावर 1/y, और 6 की वैल्यू क्या है k का पावर 1/-1/z। बाबू यहां आधार सेम है, पावर जुड़ जाएगा, मतलब k का पावर 1/x + 1/y, हमने कहा आधार सेम है, पावर जुड़ जाएगा, और k का पावर -1/z, दोनों तरफ आधार सेम है, दोनों तरफ आधार सेम है, पावर को क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए, मतलब 1/x + 1/y = -1/z। अगर -1/z को इधर ले आते हैं तो क्या होगा, 1/x + 1/z = 0, इसी का मान पूछ रहा था, इसका मान कितना हो गया, 0 हो गया।
अब जो मैं अगला सवाल लिखने जा रहा हूं देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और कितना अगर उसको आप यू ही करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। देखिए क्या है, जो हमारा नेक्स्ट सवाल है इसको थोड़ा बड़ा सवाल है, देखकर लिखते हैं इसको में क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि 4n गुणे 20m-1 गुणे 12m-n गुणे 15m+n-2 बटा 16m 5 दिया है 2m+n और गुणे 9 दे दिया m-1। कह रहा है इसका मान क्या होगा, एसएससी सीजीएल का सवाल है गुरु, का मान बताइए। इसका क्या पूछ रहा है, कह रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, इतना बड़ा सवाल दे दिया। अब एग्जाम में बैठ के जो नीचे लिख देता है और नीचे लिख देता कि रफ कीजिए, तो पता चला रफ करने में ना वो जहां नहीं लिखा है कि रफ कीजिए, जहां नहीं करना उसमें भी ऐसे करते करते लिखते लिखते उसमें घुस जाते हैं, क्योंकि जहां रफ करने के लिए लिखा रहता है इतनी जगह ही नहीं बचती। अगर आप इसको नहीं जान रहे हैं तो नीचे आप सोल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे और पता चला ये तो नीचे लिखा है कि रफ वर्क, रफ वर्क से सीधे आप फेयर वर्क में आ जाते हैं, कुछ ना कभी कोई एकाक संख्या उसमें घुस जाती है, तो बात समझिएगा। लेकिन अगर आप इसका शॉर्ट ट्रिक जान रहे हैं तो ये सब नहीं होगा, आप इसको बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, अब हमको एक बात बताइए, जैसे ये सवाल दिया हुआ है इसमें हमको सॉल्व करना है, ऐसे तो करते थे इसको 4 लिखते हैं, फिर उसके बाद ये 3x3 लिखते, इसको 5x3 लिखते, 4x3 लिखते, 5x4 कितना बड़ा बन जाएगा। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, इसमें हम करते क्या है देखिए, अभी देखिएगा कितना, मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा। m बराबर n बराबर 1 मान लीजिए, m बराबर m और n की बात हो रही खाली, तो m बराबर n बराबर 1, तो आप बताइए 4 सही है गुणे 4 मतलब 4 ऐसे ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बताइए यहां एक रखेंगे, एक में से एक घटाएंगे तो 20 और किसी संख्या का पावर 0 मतलब वैल्यू 1, फिर आप समझिएगा 12 मैंने कहा किसी संख्या का पावर 0 वैल्यू 1, जब यम के जगह पे एक रखेंगे हाँ ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो 20 बचेगा 0 तो वैल्यू 1 ही होगा, ये बता दू नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कहां से आया। अब समझिएगा, अब यहां पे भी देखिए एक में से एक घटाएंगे 0, 12 वैल्यू 1 बुरा लगा दीजिए ये वाला, 15 देखिए 1 और 1 जोड़ेंगे क्योंकि 1 एक वैल्यू लिया है, तो 1+1 मतलब 2, 2 में से 2 घटाएंगे 0 मतलब 15 वैल्यू 1 नीचे आ जाइए। अब आप समझिएगा यहां दिया 16 मतलब 16, यहां देख रहे हैं 2 + 1 = 2 और 1 जुड़ जाएगा 3 तो 5 3, और यहां देख रहे हैं एक में से घटाएंगे 9 0 एक में से एक घटाएंगे यहां एक रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, ऊपर बचा 4 नीचे कितना 16 गुणे 125 कैसे आया 5 3 गुणा करने पे 5 × 5 × 5 यही तो होगा। अब देख रहे हैं 4 × 4 = 16 1/2 इसका इसमें गुणा करिए 4 × 5 = 20 4 × 2 = 8 × 2 = 10 4 × 1 = 5 1/500 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ 1/500। मेरी बात समझ गए होंगे शायद, आइए इसी तरीके से एक सवाल और लेते हैं, फिर आप देखिएगा कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देख रहे हैं इतने बड़े सवाल को कितनी लाइन में हमने किया, मात्र एक, इसको लाइन तो मानेंगे नहीं, मात्र एक लाइन में लिख करके हम लोगों ने इसका आंसर ला दिया, आप बात समझ गए होंगे। आइए अगला सवाल देखिए वो कैसे होगा, बस प्लीज वेट फॉर सम टाइम। धन्यवाद भाइयों। देखिए अगला सवाल क्या है, एक सवाल दिया हुआ है आपका, दिया है x, मैं लिख लेता हूं यहां पे, बहुत ही अच्छा सवाल है, x^a × x^b × x^c बराबर कितना दिया है 1, और कह रहा तब a³ b³ c³ का मान बताइए, कह रहा है इसका मान क्या होगा, आइए देखते हैं हम लोग इसको। अब आप बताइएगा समझिएगा,
बेस सेम है, बेस सेम है, आधार सेम है, पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तुरंत जोड़ दीजिए। हमने कहा बेस सेम है, पावर जुड़ जाता है, जैसे x पावर a इंटू x पावर b है, तो x पावर a प्लस b, आप बात समझ गए होंगे। तो यहां समझिएगा, बेस सेम है सबका, मतलब x पावर a प्लस b प्लस क्या c बराबर एक। अब आप हमको एक बात बताइए, x का पावर a प्लस b प्लस c है, और एक चीज आपको मालूम है, क्या हम इसको x का पावर जीरो नहीं लिख सकते हैं? किसी भी संख्या का पावर जीरो बराबर एक, तो एक की जगह पे लिख सकते हैं, तो उसको लिख दिया। अब आप समझिएगा आगे, यहां पे देख रहे हैं बेस सेम है, आधार सेम है, पावर बराबर हो जाएंगे, मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या मिल गया, जीरो, यही तो मिला। और आप जानते हैं, अगर आप पढ़े होंगे फार्मूला, क्या चीज, यदि ध्यान समझिएगा, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो, तब अगर ऐसा है तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब किसके बराबर होता है, 3abc के बराबर होता है। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर जीरो है, तब इसका मान जो होगा, किसका मान पूछ रहा है, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का 3abc के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप बात समझ गए होंगे। तो देख रहे हैं, ऐसे सवाल आया, आप तुरंत इसको कैसे लगा सकते हैं इस चीज को, ये फार्मूला आपको आना चाहिए। अगर ऐसा फार्मूला आपको नहीं आता तो आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं, आपको सारा फार्मूला याद होना चाहिए। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, घातांक और करणी, मतलब इंडिसेस एंड सर्ट्स, दो चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से आज का जो ये वीडियो, मैंने जो सवाल बताया, आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों न समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि हमको ये बातें नहीं समझ में आई है, उस पर हम और वर्क करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मेरा मेन टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस हमारे चैनल के माध्यम से सिलेक्शन लेना। इस वजह से आप हमारी वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में क्या करिए, शेयर करिए, खुद पढ़िए। एक बार नहीं समझ में आता है, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, चार बार देखिए, मगर जरूर देखिए, आपको एक ना एक बार जरूर समझ में आएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको धीरे 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 धीरे, जैसे नहीं कहते बूंद बूंद से घड़ा घड़ा भर जाता है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजों को सीखते हुए आप आगे बढ़ेंगे और एक समय ऐसा आएगा आप सारी चीजों को जान जाएंगे। अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं इसी तरीके से देखिएगा, बहुत ज्यादा बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा और एक छोटा एकदम शॉर्ट छोटा सा छोटा ट्रिक बताऊंगा। अभी क्या, अभी अभी इसमें और भी सवाल है, आने दीजिए उसको, उसको देखिएगा कितना शॉर्ट ट्रिक करके बताऊंगा जिससे आपका पूरा टोटली कंप्लीटली आपका एकदम अच्छे से अच्छा हो जाए। तो आप, मेरा मेन पर्पज क्या है कि हमारे चैनल के माध्यम से ज्यादा ज्यादा लोगों को सिलेक्शन दिलवाना, यही हमारा मेन टारगेट है। तो दोस्तों आपसे हमारा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, ग्रुप में शेयर करिए, और चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे, जैसे ही हमारा वीडियो पड़ेगा आपको पता कैसे चलेगा, मैं वीडियो यहां से अपलोड करूंगा आप तुरंत आपके पास पहुंचेगा, और आप क्योंकि ये हमारा रिकॉर्डेड वीडियो है, जब भी आपको समय मिलता है जिस भी समय आप उसी टाइम आराम से ओपन करके देख सकते हैं, सारा समय आपके लिए है। आप जब भी अपने आप को फ्री महसूस करें तब आप पढ़िए आराम से। तो मेरे ख्याल से आज का हमारा जो सेशन होता है यहीं समाप्त होता है, अगले सेशन में आपके साथ फिर इसी जोश के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।